यूपी के झांसी में समथर थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन दबंगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की है। आरोप है कि आदमी सरकारी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का विरोध कर रहा था और इसी से नाराज दुकानदार ने अपने दबंग साथी के साथ मिलकर आदमी को लात घूंसों और लाठी डंडों से पीटा। दोनों ने पीड़ित को धड़ा धड़ा कर पीटा है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। झारखंड के रामगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया, दशहरा का उत्सव फीका पड़ गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इसके बाद सड़क के किनारे चल रहे लोगों को रौंदा। इसके बाद एक होटल में जा घुसा, देखते ही देखते कुल 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहां 2 ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें द्रास इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने वहां दबिश दी। जवानों को देखते ही आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उधर मुलू इलाके में भी 3 आतंकियों के लिए ये आखिरी मुठभेड़ साबित हुई। बताया गया कि वहां कुछ आतंकी रिहायशी बस्ती में छिपे थे, जिन्हें सुबह सुबह जवानों ने घेर लिया।